गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो सुबह का बज गया 8 और मैं आ गई हूँ किचन में। मैं बना रही थी आज आलू के पराठे, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो आगे बढ़ने से मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो लोग भी मेरी वीडियो तक पहुँचते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कॉमेंट और शेयर भी करें अगर अच्छा लगता है तो, बट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे इंटरेस्टिंग लोग आप लोगों को मिलते रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लास्ट तक कोई वीडियो देखता होगा और ये मैं हमेशा लास्ट में बोलती हूँ, तो आज मैं पहले ही बोल रही हूँ और आज से मैं पहले ही स्टार्ट करूँगी ये सब बोलना। तो चलो अब आप लोगों के साथ मैं पराठे की रेसिपी शेयर करती हूँ। आज बना रही हूँ मैं आलू के पराठे, तो चलो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये मैंने प्याज को फाइन चॉप कर लिया है, हरी मिर्ची को भी देख सकते हो आप, और आटा भी मैंने यहाँ पे लगा लिया है। और ये रहा घर का देसी घी एकदम शुद्ध, और इसमें है आलू। तो आलू अभी ठंडे नहीं हुए हैं, तो आलू को ठंडे करके छिलती हूँ और इसको मैश करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो आलू बॉयल हो चुका है और इसमें मैंने डाल दिया है अजवाइन, देख सकते हो आप। और अब इसमें डाल देंगे नमक, नमक आप स्वाद अनुसार डालिए, और थोड़ी सी चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा जीरा। फिर इसमें डाल देंगे जो हमने हरी मिर्ची चॉप की है, और प्याज को, आलू को ठंडा होने के बाद ये सब डालना है। और अब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, और आटे का भी मैंने डो तैयार कर दिया है, अब इसका भी डो तैयार करेंगे। तो ये आलू का मसाला रेडी हो चुका है और रोटी को मैंने यहाँ पे बेल दिया है। आप देख सकते हो मैंने सारी गोलियाँ बना के रख दी है आलू की भी, कि मुझे जितने पराठे बनाने, और ये इजी होते हैं, इससे हाथ गंदे नहीं होते, वैसे चम्मच से भी कर सकते हैं। और इसको फोल्ड करके आप पराठे बना के, तो ये रख दिया है मैंने पहला पराठा, और अब इसको बनाती हूँ। चलो फिर फटाफट से पराठे बनाती हूँ, मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, खाना वाना तो हो चुका है मेरा और सारे काम भी निपट चुके हैं। तो थोड़ा सा एक चीज़ आपको लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, जो ये पानी आ रहा है ना, तो बिल्डिंग वालों ने उसका सॉल्यूशन निकाला है, और बारिश तो बंद हो चुकी है, ये पानी ऐसे सूख जाएगा, बिल्डिंग का काम जो ख़राब होना था वो हो चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बिल्डिंग वालों ने जो निकाला है। मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ कल से, क्योंकि इधर वेंटिलेशन का वैसे ही दिक्कत होता है, ये पीछे की खिड़की मेरी बस यही चालू रहती है, और जो ये वाली खिड़की है ना, ये वाली ऑलरेडी बंद ही रहती है, और उसके ऊपर से ये प्लास्टिक पूरी बिल्डिंग में डाल दिया है। तो यहाँ तो दिक्कत नहीं हो रही है मेरे को, और किचन में भी दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ वेंटिलेशन के लिए मेरी ये खिड़की है, ये वाली मैं चालू नहीं रखती हूँ, और किचन में उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो इधर भी ये पूरा बिल्डिंग में डाल दिया है, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा मेरे को बालकनी का काम, जो थोड़ा सा मेरी खिड़की करती थी, अभी ये भी बंद हो गया है, और अभी मेरे को नहीं लगता ये सब की ज़रूरत है, क्योंकि बारिश ने जो काम करना था वो कर चुकी है, और इससे रुकने वाली नहीं है, क्योंकि मेरा जो ये पानी है ये क्रैक हो रखा है, उसकी वजह से यहाँ आ रहा है, और इन लोगों का जो पानी आ रहा है वो ऊपर से आ रहा है। तो ऊपर अगर हम छत में पतरा डालेंगे तो जाके कुछ होगा, या छत का कुछ करेंगे तो जाके कुछ होगा, लेकिन इससे कुछ रुकने वाला नहीं है, इससे जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है मेरे को वो होने वाली है, और सफोकेशन हो रही है, देख सकते हो आप। अब ये तो बंद जैसा हो गया है ना, पीछे करके दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए पूरा बंद हो गया है। तो देखती हूँ मैं बात करके इन लोगों से कि आपको जो करना है, जो ये मेरा खिड़की है ना, इधर इसके ऊपर तक रखो, मेरी खिड़की को मत रखो, क्योंकि मेरे को जो होना था इधर वो हो चुका है। बात करके देखती हूँ काम बनता है कि नहीं। ये लगा हुआ है ना, इससे वेंटिलेशन नहीं हो रहा है इस वाले रूम में, अजीब सा लग रहा है मुझे। यहाँ पे मेरा भाई सोता है, मेरे वाले रूम में तो ठीक है, और दरवाज़ा खोल के नहीं रख सकते सेफ्टी पर्पज़ से भी, और बाहर पे कभी कभी छिपकली वगैरह रहती तो वो अंदर घुस जाती। कल ही मैंने एक छिपकली भगाई थी, क्योंकि यहाँ पर जूते वगैरह रहते आस पास वालों के, तो आ जाती है ऐसी चीज़ें। तो इसको देख के थोड़ा सा इस वाले रूम में आके अजीब सा हो रहा है, और ये कल इवनिंग को डला है, तो उन लोगों ने बोला था कि खिड़की के पास से हम लोग कट देंगे, तो इस पर कट तो नहीं दे रखा है, या तो इस पर कट देते तो भी चलता, और समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं।
एक बार बार करके देखती हूँ कि भाई आप इसको ऊपर कर दीजिए, मेरे वाले एरिया में मत डालिए, बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को इसको देख के। वैसे हम लोग गांव के हैं, खुले खुले में रहने वाले, और यहाँ तो चलो रह भी लेते हैं, और मैं तो अभी अभी आई हूँ गांव से, तो मुझे तो ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है इसको देख के, क्योंकि बहुत अजीब सा लग रहा है। चलो अब इसका बात करके देखते हैं, देखते क्या बोलते हैं वो लोग। रायता बनाती हूँ और लंच करती हूँ। तो ये रहा मेरा लंच, मस्त सा पराठा, खीरा और रायता। और आप लोग भी आइए और लंच इंजॉय कीजिए मेरे साथ। मैं करती हूँ अब लंच, और साथ में आप लोग भी आ जाइए, और लंच के साथ ये वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।